नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद दिगारी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और मैं आज हूं हमारे उत्तराखंड की हसीन वादियों में, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला रोड में धूसा खान मंदिर में। ये शिव जी का, भोलेनाथ का मंदिर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंदिर आपको दिख रहा है। और इस मंदिर के बारे में जो भी मान्यताएं हैं और जो भी इसकी कहानी है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पर एक गुफा है, शिव गुफा, और वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इस मंदिर की क्या कहानी है। गुरु जी नमस्कार। आप इस मंदिर के पुजारी हैं, तो आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मेरे को हो गया सर 12 साल। 12 साल आप 12 साल से। और आपसे पहले मैं भी जानता हूँ कि आपके पिताजी यहाँ पर बैठते थे और हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता था, हम आते जाते हमेशा रुकते थे। तो थोड़ा सा आपसे इस बारे में हम जानकारी चाहते हैं कि इस मंदिर की आपको क्या कहानी, जो आपको पता है, क्या कहानी रही है। जब 1962 में जब रोड कटती थी, उस समय ऊपर ये कटिंग हुई थी, जी, ये रास्ता बता है, इस जी कटिंग करने में मंदिर निकल गया था। जी अभी आपको लेके चलेंगे हम उस जगह पर। मंदिर हाँ निकला है वहाँ पर, अच्छा हाँ नंदी बैल निकला है, अच्छा शिवलिंग जी निकला है और शिव पार्वती जी का परिवार निकला है। अच्छा क्या बात है, पूरा पूरा परिवार। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो असली मंदिर जो है, ये आपको दिख रहा है ऊपर, बिल्कुल एकदम एकदम पहाड़ी में, ढलान में, जिसे कांठा कहते हैं हमारे पहाड़ी में, एकदम कांठे में है। तो गुरु जी ने बताया कि ये जो मंदिर है, ये जब रोड कट रही थी सन 1962 में, ये आपको थोड़ा सा रास्ता दिख रहा होगा, जब 1962 में रोड कटिंग हो रही थी तो यहाँ पर ये मंदिर निकला। यहाँ पर भोलेनाथ का पूरा परिवार, शिवलिंग और पूरा निकला, तो इसलिए यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई। आइए तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ उस मंदिर में जो 1962 में यहाँ पर निकला था, और भोलेनाथ जी का पूरा परिवार, शिवलिंग। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं गुरु जी के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गेट बना हुआ है ऊपर वाले मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि बहुत पतला रास्ता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादा आ नहीं पाते। और मैं भी आज इस मंदिर में पहली बार जा रहा हूँ। हम भी नीचे वाले मंदिर में ही ज़्यादातर टीका अपना लगा के जाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम एकदम कठिन पहाड़ी में ये मंदिर बना हुआ है, और मतलब एकदम कांठो, एकदम कांठा कहते हैं जिसको, एकदम वैसे बना हुआ है। तो हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर हैं मंदिर में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है क्योंकि बिल्कुल एकदम चट्टान के ऊपर, चट्टान के पास में अंदर है ये। और अब हम देख रहे हैं ये मंदिर। जय हो बाबा। ये आप देख सकते हैं, एक ये गुफा की तरह है, बहुत पतली संकरी गुफा है। और जिस तरह का यहाँ पर ये पत्थर है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर देवी शक्तियाँ होती हैं वहीं पर इस तरह के पत्थर होते हैं। तो आइए देखिए, वाह, ये एक गुफा है दर्रे की तरह, बहुत पतली सी, इसमें आगे जा नहीं सकते। हम देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नंदी जी बैठे हुए हैं हमारे। तो जैसा गुरु जी ने बताया कि 1962 में जब इसका रोड का काम चल रहा था तो उस समय ये निकला था। ये नंदी जी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अब देखिए आप, ये शिवलिंग जी हैं, बिल्कुल साक्षात लग रहे हैं एकदम। और उससे आगे आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ जी का पूरा परिवार है। मैं कैमरा उस तरीके से कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत पतली गुफा है। तो ये सबसे इधर भोलेनाथ जी हैं और उस तरफ मैया जी, और उनका पूरा परिवार है यहाँ पर। वैसे यहाँ ऐसे देखने में हमें पता लग रहा है, बट मैं कैमरा वैसे कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत पतली जगह है। तो ये कितनी बड़ी महिमा है भगवान जी की, कि पूरे परिवार के साथ, सबके साथ यहाँ पर विराजमान है। नंदी जी सबसे आगे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पर आए, यानी पिथौरागढ़ से अगर धारचूला वाले रोड में आप आते हैं तो धूसा खान मंदिर आपको मिलता है, और इस मंदिर में आप लोग टीका लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। अब तो रास्ता काफ़ी ठीक बना हुआ है, इतना कोई परेशानी वाला नहीं है। ये रास्ता बना हुआ है, आप इसमें चल के आराम से आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप सतगढ़ गांव के हैं जो पुजारी जी हैं,
और इनका परिवार ही इस मंदिर की पूरी देख रेख करता है और इन सेवा में लगा हुआ है बहुत सालों से। मैं भी जब आप बहुत छोटे थे तब से भी मैं आपको देख रहा था यहाँ पर बहुत सालों से, आपके पिताजी के समय से। तो भगवान जी की आप पर कृपा बनी रही। तो अब फाइनली हमने जो असली मंदिर है, असली गुफा है, उसके दर्शन किए और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जो शिव गुफा है हमारी। तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अचानक से मैं आपको कैसी जगह पर खड़ा हूँ। ये देखिए, ये गुफा है और गुफा के अंदर मैं पहुँच गया हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुफा के अंदर जाने का वीडियो मैंने आपको क्यों नहीं दिखाया। वो मेरे से एक गलती हो गई शायद, आने की जो थोड़ा सा परेशानी थी उसमें कैमरा ऑफ हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। तो अब मैं दोबारा बाहर जाके दोबारा अंदर आने का शायद नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर हूँ और मैं बाहर आपको अपने साथ लेके चलूंगा दिखाते हुए कि यहाँ से बाहर जब निकलूंगा मैं। तो देखिए ये यहाँ पर भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है अपने, और मैं अभी 30 मीटर अंदर हूँ जहाँ पर गुफा हमारी स्टार्ट होती है वहाँ से शिव गुफा। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा, यहाँ से आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। और गुरु जी ने बताया, जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया कि ये जो गुफा है यहाँ से ये सीधे ऊपर ध्वज जयंती मैया के वहां तक कनेक्ट है, क्योंकि वहां भी गब्यूर होता है ना गुरु जी, वो जो वहां गब्यूर है जयंती मैया में, वहां भी हम लोग जाते थे बचपन में जब शिवरात्रि के दिन। तो ये वहां से जुड़ी हुई है, इससे आगे जाना संभव नहीं है। ये बहुत ही पतली गुफा है और बहुत टिपिकल है। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं अंदर आते हुए आपको वीडियो नहीं दिखा पाया। अब मैं आप थोड़ा सा आपका ध्यान लेके चलता हूँ। देखिए भगवान जी कैसी जगह विराजमान होते हैं, आपको ऊपर कुछ दिख रहा होगा, ऊपर एक आकृति बनी हुई है और बिल्कुल बाबा की तरह एकदम दिख रही है। और जिस तरह की यहाँ पर आपको एक कटिंग नक्काशी प्राकृतिक दिख रही है, ये बहुत सारी चीजें जो है शो कर रही है। और ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर प्रकृति ने, भगवान जी ने अपना वो बनाया हुआ है ऊपर। ये देखिए, ये जो दृश्य है देखिए मेरे ठीक सर के ऊपर का है, मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया और ये देखिए एकदम मेरे सर के ऊपर इस तरीके से बना हुआ है ये गुफा। और अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ बाहर, और परेशानी बहुत है तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मेरा कैमरा दोबारा ऑफ ना हो। और मेरा जो मकसद है इस गुफा के बारे में आपको जानकारी देने का, वो पूरा हो जाए बाबा जी चाहेंगे तो। एक बार तो मेरा कैमरा बंद हो गया। अब हम फाइनली अब हम यहाँ से वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है गुरु जी थोड़ा ऑक्सीजन का भी कमी है, ऐसा होता है ना। हाँ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी है। तो बाबा जी के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करते हुए मैं फिर दोबारा जरूर एक बार और जरूर आना चाहूँगा, लेकिन आज अब मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा अभी, क्योंकि बहुत थकान से महसूस हो रही है। आप देख पा रहे हैं गुरुजी मेरे आगे आगे चल रहे हैं और इस तरीके से हम लोग लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आदमी के बड़ी मुश्किल से निकलने के लायक ये जगह है यहाँ पर। और ये देखिए एक और गुफा आपको नजर आ रही होगी, शायद वहां हम जा नहीं पाएंगे। ये यहाँ से जुड़ी हुई है, हम इधर से आए हैं जहाँ आपको पुजारी जी दिख रहे हैं, और यहाँ पर छोटी सी सीढ़ी से इसको जोड़ा गया है। ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, और सीढ़ी के उल्टी साइड में नीचे को एक और गुफा है और वहाँ हमें दिख रहे हैं शिवलिंग जी। तो गुरु जी वहाँ जा नहीं सकते, बहुत पतला है। आप लोग तो जा सकते हैं, जाते होंगे, लेकिन थोड़ा कठिन है और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो दर्शन हमने कर लिए, जय हो बाबा। और ये एक गुफा और जुड़ी हुई है, ये भी आगे तक है। नहीं, अच्छा ये यहीं पर तक है जी। तो अब थोड़ा सा हम और बाहर की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। तो आज मैं जब मंदिर में टीका लगाने के लिए रुका तो मुझे अचानक ध्यान आया, क्यों ना हम अपने इस मंदिर को और इस जगह को आप लोगों को दिखाएं और आप लोगों को भी दर्शन कराएं। आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी मतलब
अलग जगह है जहाँ पे भगवान जी वास निवास करते हैं अपना, वो जगह बहुत अलग होती है, हमारी कल्पना से भी अलग होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बहुत पतला सा दर्रा है और वहाँ से हम आ गए हैं आगे। अब यहाँ पर मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मेरी पीठ में और मेरे फ्रंट में बहुत कम जगह है और मैं निकल के रहा, निकल के आ गया फाइनली। तो मैं जब मैं अंदर गया था तो तब भी मैंने किया था, बट वो कैमरा रोल नहीं हो पाया। मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। ये देखिए अब थोड़ा सा हम एक पड़ाव पार करके थोड़ी ठीक जगह में आ गए हैं, लेकिन अब आगे जो मुझे दिख रहा है और वो और भी बहुत पतला रास्ता है। और अब हम बाहर पहुंचने वाले हैं शायद, नहीं अभी तो बहुत है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जगह है, बहुत पतली जगह है और भगवान की महिमा है कि हम निकल भी पा रहे हैं आराम से और निकल भी गए। ये देखिए जय हो बाबा। और मुझे लगता है कि जब आप इसको देखेंगे आपको जरूर मजा आएगा और आपको लगेगा कि आपको भी यहाँ पर आना चाहिए। और अब हम कथा वो हमारा पूरा हो गया, अब हम बाहर पहुँचने वाले हैं और बाबा जी को प्रणाम करते हुए उनकी इजाज़त लेते हुए और फिर से दोबारा जरूर आने की जो है कामना करते हुए। ये गुफा का मुख्य द्वार है जहाँ से हम अंदर को जाते हैं, तो ये है यहाँ से हम अंदर को जाते हैं ये। और ये गुफा का आपको नज़ारा मैं बाहर से थोड़ा अच्छी लाइट में जितना हो सक रहा है दिखा रहा हूँ। और जो आपको ये वाली जगह दिख रही है ये बहुत पतली जगह है, यहाँ पर से अंदर जाना थोड़ा कठिन हो रहा था, तो फाइनली अब हम बाहर आ गए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने दूसा खान जो मंदिर है हमारा भोलेनाथ बाबा का, यहाँ के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और आपको दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी पिथौरागढ़ से धारचूला वाले रास्ते में हो, पलेटा और सदगढ़ के बीच में सुंदर सा मंदिर है और यहाँ पर रुकेंगे और दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। और पुजारी जी की परमिशन लेके आप गुफा में भी जा सकते हैं ना गुरु जी, गुफा में भी जा सकते हैं। 30 मीटर लंबी गुफा है और बड़ा आनंद और वहाँ पर हमें आ रहा है देखने में, क्योंकि सब कुछ अलौकिक है, अलौकिक ही लग रहा है, बिल्कुल देवी लग रहा है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और मैंने किया। फाइनली आप लोगों तक, जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, मेरी कोशिश है कि आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पर आएँ। तो जब भी आएँ रुकें और आप इसके आसपास क्षेत्र में हो तो तब भी ज़रूर आएँ एक बार दर्शन करने, और आपको बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी, बहुत दैवीय शक्ति की अनुभूति होगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपका स्वागत। और आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के चीज़ें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें, चाहे वो गीत संगीत से जुड़ी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक हमारी हर चीज़ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ।